सीबीआई जांच का केंद्र बिंदु बीकानेर के खाजूवाला पहुंच गया है, जहां एक राजनीतिक परिवार की महिला से संबंध में पूछताछ की गई है। वहीं 3 अलग अलग मोबाइल पुलिस ने जब्त किए हैं। सीबीआई ने खाजूवाला के पूर्व विधायक रहे विश्वनाथ मेघवाल की पत्नी विमला मेघवाल से संबंध में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। इसके अलावा पुलिस विमला मेघवाल की कॉल डिटेल भी निकलवा रही है। कृष्णा पुनिया अभी तक सीबीआई की पहुंच से बाहर हैं। ऐसी भी खबर है कि वो अपनी पॉलिटिकल ताकत दिखा रही हैं। विष्णुदत्त सुसाइड से 12 घंटे पहले सादुलपुर कस्बे में एक बोलेरो में सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए एक ट्रैवल व्यवसायी की हत्या कर दी थी। दिन दहाड़े इस फायरिंग में ट्रैवल कारोबारी राजेंद्र गढ़वाल के साथ 3 अन्य लोग भी घायल हुए। फायरिंग की इस वारदात के बाद सभी घायलों को हिसार के अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान राजेंद्र गढ़वाल ने दम तोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि एक बड़ी वजह थी कि जिससे विष्णुदत्त परेशान थे। इस कांड के तार कई बड़े नामों के साथ जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर बात यह है कि लॉकडाउन और राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल के कारण प्रदेश में छाई खामोशी के मध्य राजगढ़ के थाना अधिकारी विष्णु विश्नोई के अचानक आत्महत्या करने को लेकर अनेक तरह के सवाल उठने के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। राजगढ़ के दारिया मुठभेड़, वीरेंद्र न्यांगली हत्याकांड सहित राजगढ़ में अनेक घटित घटनाओं को लेकर ये क्षेत्र हमेशा से चर्चित रहा है। राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णु विश्नोई के आत्महत्या करने की घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में तूफान आ गया है।